हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि मिश्रा आपके अपने चैनल अंजलि के घरेलू नुस्खे में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत पड़ रही है, कोशिश करें कि बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप लोग बाहर जाएं, बहुत गर्मी हो रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि जब भी हम शिवलिंग पर पूजा करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमें शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। सोमवार के दिन भोलेनाथ का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आग, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों को हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। सभी धार्मिक कार्यों में भी हल्दी बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। फ्रेंड्स, भोलेनाथ को कनेर और सफ़ेद पुष्प, कमल के अलावा कोई भी अन्य पुष्प प्रिय नहीं है। शिव जी की किसी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कभी कुमकुम और रोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी रोली और कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शंकर भगवान ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग ना करने की बात कही थी। फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें हैं जो हमें शिवलिंग की पूजा करते समय नहीं चढ़ानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।